मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, 12th क्लास का डिफरेंसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके पिछले वाला क्लास में मैं क्या बताया था, डिफरेंसिबिलिटी होता क्या है वो बताए थे, डिफरेंसिबिलिटी पर कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए थे। आज क्या कर रहे हैं, डिफरेंसिबिलिटी का प्रॉपर्टी बना देते हैं और रिलेशन बता देते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंसिबिलिटी का क्वेश्चन बता के, ठीक है ना, कंप्लीट कर देंगे आज। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, क्या लिखे, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। क्या लिखे, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, यदि कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। दूसरा, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस then continuous at a point then it may not बी ए डिफरेंशिएबल। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हम, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट देन इट मे और मे नॉट बी ए डिफरेंशिएबल। यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं है जो डिफरेंशिएबल होवे करेगा, हो भी सकता है मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन इट इज नॉट if a function is discontinuous at a point then it is not a differentiable at that point।
इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, देन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन बट इट मे और मे नॉट ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन मे और ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर मे और मे नॉट बी ए डिफरेंशिएबल। पहला पॉइंट है, यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होवे करेगा। दूसरा पॉइंट है, किसी पार्टिकुलर पर फंक्शन ये कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट लिखे है, जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है सब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, some problems connected with a differentiable पहला क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वन। दूसरा है, माइनस वन बाई थ्री व्हेन x इक्वल टू वन, देन फाइंड f डैश वन। ठीक, सॉल्यूशन, y बराबर क्या है, कोई फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स क्या लिखते हैं, f डैश x, और एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। हमको निकालना क्या है, एफ डैश वन, दैट मीन्स एक्स के बदलाव क्या कर देना है, वन पुट कर देना है। एफ डैश वन बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में क्या, h। अब क्या है,
यदि एफ एक्स बराबर क्या है एक्स नॉट इक्वल टू, तो ये बराबर ही हो सकता है और ये लिमिट एच टेंस टू जीरो है, तो एच टेंस टू जीरो मतलब ये अप्रोक्स जीरो वैल्यू के बराबर नहीं है, एच यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एच जो है ये कभी जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो से ही हुआ तो थोड़ा स्लाइटली बड़ा है या थोड़ा स्लाइटली छोटा है, कितना छोटा, तो 0.000001 मतलब निग्जेबल छोटा है और या निग्जेबल बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, पहला काम एफ हमको निकालना क्या चाहिए, एफ वन प्लस एच, एफ वन प्लस एच, एफ एक्स क्या है, जब एक्स नॉट इक्वल टू वन है दैट मीन्स एच इक्वल टू, एच टेंस टू जीरो है, इसका मीनिंग क्या होता है, या तो फंक्शन एच जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, इक्वल टू नहीं है, एफ वन प्लस एच निकालेंगे तो एक्स माइनस वन है, तो वन प्लस एच माइनस वन, एक्स के अब एक्स के बदला कहाँ क्या पुट कर रहे हैं, वन प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख रहे हैं फंक्शन में, एफ वन वन प्लस एच वैल्यू पुट कर रहे हैं, टू वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस सेवन वन प्लस एच प्लस फाइव, वन वन क्या हो गया कैंसल हो गया, तो क्या आ गया एच अपॉन टू वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सेवन, माइनस सेवन एच प्लस फाइव, टू प्लस टू एच स्क्वायर प्लस फोर एच माइनस सेवन एच प्लस फाइव, क्या हो जाएगा, फाइव और टू, सेवन और माइनस सेवन कैंसल आउट हो गया, तो क्या बच गया टू एच स्क्वायर फोर एच माइनस सेवन एच माइनस थ्री एच, यदि हम एच यहां पर कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा टू एच माइनस थ्री, दैट मीन्स एफ वन प्लस एच, एफ वन प्लस एच का वैल्यू क्या आ गया वन अपॉन टू एच माइनस थ्री। अब क्या हम वैल्यू पुट कर देते थे, क्या आया है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन कितना एच, एफ वन प्लस एच का वैल्यू क्या निकालेंगे टू एच वन अपॉन टू एच माइनस थ्री, और एफ वन का वैल्यू क्या है जब एक्स बराबर वन बाई थ्री है तो क्या है वैल्यू माइनस वन बाई थ्री अपॉन कितना एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाय टू एच माइनस थ्री प्लस वन बाय थ्री अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एलसीएम कितना आ गया टू एच माइनस थ्री इंटू थ्री, थ्री प्लस टू एच माइनस थ्री, ये भी एच कहाँ है इसी के बट्टा में, थ्री थ्री कैंसल हो गया, क्या बच गया लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एच अपॉन टू एच माइनस थ्री इंटू थ्री एच, एच एच कैंसल, क्या आ गया टू अपॉन एच का वैल्यू पुट कर देते टू इंटू जीरो माइनस थ्री इंटू थ्री, क्या आ गया टू अपॉन माइनस नाइन दैट मीन्स माइनस टू अपॉन नाइन, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछना, कुछ नहीं किया एफ डैश वन, एफ ये लिमिट एच डैश टू जीरो फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड का फॉर्मूला होता है, अब एक्स के जगह क्या कर दिए वन वैल्यू पुट कर दिए,
दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यू साइन वन बाय एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, देन फाइंड डीसी, डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर जीरो। हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालना है। दैट मीन्स हमको पहले क्या निकालने थे, एफ डैश वन निकाले थे, पहले क्या निकाले थे एफ डैश वन, अब क्या बोल रहा है एफ एक्स एट एक्स बराबर जीरो। हमको बोल क्या निकालने, या तो ये क्वेश्चन समझो या नहीं तो इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया, एफ डैश जीरो बोल रहा है निकालने के। अब देखो सोल्यूशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना एच, एट एक्स बराबर जीरो, एट एक्स बराबर जीरो तो एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। हमको चाहिए क्या एफ एच और एफ जीरो का वैल्यू, तो एफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है एक्स बराबर जीरो है तो जीरो दिया हुआ है, तो एफ एच का तो एफ एच कहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे एफ एच निकालेंगे तो एफ एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स के बदला क्या हो जाएगा एच प्लस एच क्यू साइन वन बाय एच, और एफ जीरो, एफ जीरो कितना दिया हुआ है जब एक्स जीरो के बराबर है तो जीरो है। तो अब क्या है फॉर्मूला क्या निकल के आया है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच, एफ एच कितना है एच प्लस साइन वन बाय एच माइनस एफ जीरो, एफ जीरो कितना है जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो यदि एच कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा एच प्लस वन प्लस एच स्क्वायर साइन वन बाय एच अपॉन एच, और ये जीरो लिखना कोई जरूरी है नहीं। अब क्या करो एच टेंस टू जीरो का तो साइन वन बाय एच वन प्लस जीरो स्क्वायर, और साइन वन बाय एच का वैल्यू कहां से कहां तक होता है प्लस वन और माइनस वन, वन प्लस जीरो स्क्वायर इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा जीरो ही, तो क्या आ गया आंसर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एक्स माइनस वन इज एक्स माइनस वन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन, एट एक्स बराबर वन एफ डैश एक्स बराबर हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, अब एक्स के बदला कितना है बोगा वन, एफ डैश वन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन
अपॉन एच। एफ एक्स बराबर कितना है, मॉड अंडर एक्स माइनस वन, एफ वन प्लस एच लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के बदला क्या वन प्लस एच माइनस वन, ये एक कैंसल हो गया, क्या आ गया मॉड एच, क्या आ गया मॉड एच। अब क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ वन प्लस एच का वैल्यू क्या आ गया है मॉड एच, और यदि एफ वन का वैल्यू निकालेंगे, यदि एफ वन का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के बदला कितना वन माइनस वन, क्या आ गया जीरो, मॉड एच माइनस जीरो अपॉन क्या एच। पूछ क्या रहा है, डिफरेंसेबल है, डिफरेंसेबल बोल रहा है, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं बोल रहा है, किधर इशारा कर रहा है, एलएचडी और आरएचडी चेक करने के लिए। तो एलएचडी ले लेते हैं, तो एलएचडी क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस मॉड एच बाय एच, क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस मॉड एच का वैल्यू माइनस एच अपॉन एच माइनस वन। आर एच डी क्या आ गया, आर एच डी क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड एच आर एच डी ग्रेटर देन जीरो एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड एच का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस एच अपॉन एच, कितना आ गया वन। तो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंसेबल, एट एक्स इक्वल टू वन। कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ाए थे आप लोगों को जूम ऐप पर, ठीक है, इतना ही पढ़ा के हम छोड़ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा डिफेंसिबिलिटी में, क्वेश्चन मार्केट में भी कम है, यदि इतना बनाना बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, हम जो बता रहे हैं कल से अभी तक के लेक्चर में, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कंटिन्यूस। डिफेंसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बार बार थोड़ा इतना ही क्वेश्चन है, मार्केट में भी दो ही चार गो क्वेश्चन है डिफेंसिबिलिटी पर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो इसी सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।